हमारा चल जाता है बाहर 4 वायर, या तो अंदर ही हम कॉमन कर देते हैं। कॉमन कैसे करते हैं वो देख लीजिए। अंदर कॉमन करने के लिए एक रनिंग का वायर, एक स्टार्टिंग का वायर आपस में जोड़कर एक सिंगल वायर बाहर निकाल देते हैं, जिसके अंदर हम फेस डायरेक्ट देते हैं। अब बचता हमारे पास एक रनिंग का वायर और एक स्टार्टिंग का वायर, वो सीधे निकल जाता है बाहर, जो कैपेसिटर जोड़ने के काम आता है। अब उसके अंदर हम रनिंग वाले वायर में और एक कॉमन वाले वायर में फेस न्यूट्रल देकर चालू कर देते हैं, और हम देख लेते हैं रोटेशन कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, और हमारा ये पंखा चालू हो जाता है। ध्यान रहे कि जो हमें सप्लाई देनी है वह रनिंग के वायर में और एक कॉमन की वायर में लगी होनी चाहिए, न कि स्टार्टिंग के वायर में लगी हो। अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।